जब ये बात मुझे बताई है तो मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो और हर काम में जल्दबाजी मत मचाया करो। नेहा, शरद ने कहा कि वो मेरी मदद इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। क्या कहा तूने शरद से? ये सवाल तो हाथ उठाने से पहले पूछना था माँ। जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो क्यों जवाब दूं मैं? कहा था मैंने तुझसे नहीं, इस खानदान के खिलाफ कोई भी ऐसी वैसी हरकत अगर तूने की तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। कहा था मैंने? हाँ कहा था आपने। अपनी तो हर बात कह लेती आप, मुझसे बोलने का हक क्यों छीन लेती? थक चुकी हूँ मैं आपसे, आपके शक से जूझते जूझते थक चुकी हूँ मैं। एक काम करें, आज इस किस्से को यहीं खत्म कीजिए प्लीज। मार डालिए मुझे माँ, मार डालिए। मैं आपको खत्म कर लूँ? मैं बोलिए माँ, बोलिए ना, कहिए माँ, बोलिए कुछ। कुछ नहीं चाहती मैं, कुछ नहीं चाहती। तुम्हारी माँ हूँ। तुम अगर अपना रास्ता छोड़कर भटक रही हो तो तुम्हें रोकना चाहती बस, और सच मुझ कुछ नहीं चाहती। आखिर ऐसा कौन सा राज है सर जिसकी वजह से माँ को मेरे और शरद के करीब आने में इतना एतराज है सर? इस वक्त मैं आपसे बात कर सकती हूँ काकुल? हाँ बोलो, क्या कहने को बाकी रह गया आप? हाँ हमने आपसे कुछ मांगा था, वही याद दिलाने के लिए फोन किया है। प्लीज हमारे परिवार को फिर से एक कर दीजिए, हम पर ये आखिरी एहसान कर दीजिए सम्मान। एहसान कर दूं? तुम पर, तुम्हारे घर वालों पर, तुम्हारे कुल्ले खानदान पर, ताकि वो एक होकर मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचा सके? और कितने राज हैं जो तुमने हम सबसे अब तक छुपाए हैं? राज क्या हुआ है सम्मान? ऐसा क्या हुआ है जिससे आप हमसे इतने नाराज हैं? काकुल, होना तो तभी शुरू हो गया था जब जिंदगी में पहली बार उस वक्त मैं तुम्हें मिला और मैं बेवकूफी कर बैठा। काकुल, हर गलती की एक माफी होती है, बहुत सजा मिल चुकी है मुझे। तुम्हें मुझसे शिकायत है ना काकुल? ठीक है तुम मुझसे बात करो, लेकिन प्लीज मेरे घर वालों को तो छोड़ दो। हाँ, पहले तुमने ऋषभ भैया और सिंथिया की बात मुझसे छुपाई और अब शरद और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम उन्हें शह दे रही हो। शरद और नेहा? सम्मान, सम्मान हम सच कह रहे हैं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता था, अभी अभी आपसे ही पता चला। और जस्ट स्टॉप इट काकुल, भोले बनने का नाटक मत करो तुम प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पहले मैं सोच भी रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन अब नो वे, बिल्कुल नहीं। काकुल मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तुम खुद तो मुझसे झूठ बोलने की मिन्नतें करती हो और अपने आप सच्चाई पर पर्दा डाले रखना चाहती हो। वाह, मेरी फैमिली से बदला लेने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढ रहा है तुमने। सम्मान प्लीज, प्लीज ऐसा मत। इनफ प्लीज, अब आगे से तुम मुझसे बात करने की कभी कोशिश मत करना। थैंक्स। हम जितना बातों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही उलझती जा रही है। इस कड़वाहट को, इस नफरत को दूर कर दीजिए,
वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खून के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है मिस्टर नाना। यू आर अंडर अरेस्ट। तांबे, चाकू ले से। इंस्पेक्टर साहब, आप अब आपको जो कुछ कहना है अदालत में चलिएगा। चल ले, चल। आप सुनिए, चलो साहब, मेरी बात सुनिए आप। यो काम। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। चलो आप सुनिए, देखिए अदालत में आप गलत फहमी हो रही है। चल साहब, ये साजिश है, मैं आपको आज आया मजा पेपर पढ़ने का। अब तो इन लोगों की नींदें हराम कर देगा जिंदगी भर ये धनराज सक्सेना। क्या बात है अंकल, बड़ा हंस हंस के पेपर पढ़ रहे हैं आज आप। ये देखो, क्या ये देखो गौतम, ये अमरनाथ का समधी ओम शंकर और ये उसका चहिता लाडला चमचा नाना। सत्ताईस साल पहले ओम शंकर ने कत्ल किया था और कल नाना ने उस ड्राइवर का भी कत्ल कर दिया जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी। बाप रे बाप, बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं। तो बाय द वे, आप कल रात को कहाँ थे? मैं तो यहीं था मेरे कमरे में। कल रात को काफी देर तक जगा हुआ था मैं। मैंने आपको घर के अंदर घुसते हुए देखा था कल। नहीं भाई, तुमने किसी और को देखा होगा। मैं तो अपनी दवाइयां लेकर चैन की नींद सो रहा था अपने कमरे में। Is it? Good morning. भाई गर्मा गर्म नाश्ता लगा दिया, अब तुम लोग बिना ठंडा किए उसे खा लो। चलो चलो। अरे धनराज, तुम्हारी शर्ट जो सुबह धुलने में पड़ी थी उसमें खून का दाग कैसे लगा था? वो तो उंगली कट गई थी शेव करते वक्त। अच्छा चलो नाश्ता कर लो। चलो गौतम। शर्ट पहन के शेविंग, समझ नहीं आई ये बात। कुछ कहूं? जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमारे घर के लोग हद से ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। नेहा इज अ नाइस गर्ल। थैंक्स सुलेखा, तुम्हारा इतना कहना ही काफी है मेरे लिए। घर
ख्याल से इतना घबरा गया था कि पता नहीं कौन सा पाप कर दिया मैंने। रिलैक्स, भूल जाओ। वैसे उसे कुछ कहा भी है या फिर बात सिर्फ हमारे घर के हंगामे तक ही रह गई? कहा, कल उसके ऑफिस में इन द मोस्ट अनरोमेंटिक फैशन, और कहते ही देखा कि समान भैया पीछे खड़े हुए थे। ओह गॉड, इससे खराब टाइमिंग नहीं हो सकती थी। पर समान भैया ने नहीं तुलिका, ऐसी बात नहीं है। वो तो मुझे अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। इन सबको चिढ़ तो इस बात की है कि नेहा ने पापा का केस क्यों छोड़ दिया। नेहा को भी पापा को लेकर कुछ गलत फहमियां हैं। मैं सब कुछ दूर कर देना चाहता था, लेकिन इन सब ने मिलकर उनको इतना कुछ कहा, इतना कुछ बोला। वो किस किस एंगल से हमारे नौकर हैं, किस जमाने की बातें करते हैं ये लोग। I'm so hurt, तुलिका। I'm so hurt. मामा भी ना। ऋषभ, सच में खून कर सकते हैं? पता नहीं है, I'm as lost as you are. इसमें लिखा है नाना ने खून किया, तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई। मतलब किसी को मालूम था ये होने वाला है, या तो किसी ने उन्हें फंसाया है, क्या पता। लेकिन अगर ये बात सच है तो मेरे घर वालों के सामने मेरी पोजीशन और एम्बैरेसिंग हो जाएगी। अब तक तो सिर्फ मुझ पर यही इल्जाम लगा है कि मैंने धोखा दिया है, झूठ बोला है। अब ये भी कहेंगे कि मैं क्रिमिनल्स का साथ देता हूँ। काकुल और बाऊ साहब के लिए भी बहुत शॉकिंग न्यूज होगी है। बेचारे काकुल कितना मना रही थी कि घर की सिचुएशन ठीक हो जाए, उल्टा और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अब तो सुजीत भी लपेटे में आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट। नहीं, नाना ऐसा नहीं कर सकते ऋषभ। किसी ने प्लानिंग की होगी शायद उनके खिलाफ। बैठ के आपस में सोचते रहने से कोई फायदा नहीं। काकुल से फोन करके बात कर लेना, उससे जान लेना। वैसे तो फोन करते रहते हैं, अब चुप बैठ गए हम लोग। डेफिनेटली डू दैट। मम्मी मम्मी, मुझे लगता है दादाजी भी ऐसे ही सोच रहे होंगे। यू उनको फोन करें, कितने दिनों से फोन नहीं किया, करें। देखा आपने, अब तो सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ गई। सब लोग सोचते होंगे कि कैसे कसाईयों के यहाँ हमारे सम्मान का रिश्ता हुआ है। दुनिया हंसती होगी हम पे कि खूनी की बेटी से हमने अपने बेटे का रिश्ता किया है। दलदल में दस्ते चले जा रहे हैं हम सब, बस यही कसर बाकी रह गई थी। उतरा एक डर, एक दहशत सी है दिल में। रोज सुबह उठता हूँ तो भगवान से मिन्नतें करता हूँ कि हे भगवान, कम से कम आज का दिन ठीक से गुजर जाए। घबरा गया हूँ, बहुत घबरा गया हूँ। उतरा, अब तो एक ही रास्ता है जी, जितनी जल्दी हो सके ना काकुल और सम्मान का डिवोर्स करा दीजिए। कम से कम हमारी मुसीबतें तो टलेंगी, और जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। हमारे बेटे से इन खूनियों की पैरवी करने को कह रही थी वो काकुल। हेलो। हाय दोस्त। कौन? क्या दोस्त, भूलिया अपने फोन फ्रेंड को। संचित, सॉरी दोस्त, सॉरी, मैं दरअसल किसी और सोच में था। दोस्त, तो लाइफ में कोई टेंशन है क्या, मुझसे शेयर कर सकते हैं? जब मेरे पापा टेंशन में होते हैं, जब मैं उनको एक जोक सुना देता हूँ, फिर उनकी टेंशन उड़ जाती है। टेंशन तो आपकी प्यारी सी आवाज सुनकर दूर हो गई है। बता दोस्त, इतने दिनों से मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं एग्जाम जो चल रहे थे, पर सब में एक रैंक मिले। अरे वाह, पर एक बात तो है दोस्त, पढ़ाई के मामले में नो शैतानी। आप तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रहे हैं। अच्छा,
क्या करते हैं आपके पापा? डॉक्टर है ना, मतलब दुकान पर काम करते हैं। डॉक्टर दुकान? केमिस्ट होंगे सर। हाँ वही, केमिस्ट क्या बोलते हैं, केमिस्ट कितना मुश्किल वर्ड है। अच्छा ये बताइए, अब आप हमसे मिलने कब आ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, अब टेंशन तो मुझे भी हो गई। हंसिए मत, आई एम 5 years old, मैं अकेला कैसे आऊंगा? पहले मम्मी पापा से बात करनी होगी, फिर आऊंगा। बाय दोस्त। अरे हेलो। उसी बदमाश बच्चे का फोन था। हाँ संचित, संचित उससे बात करता हूँ ना तो मन हल्का हो जाता है, किसी अपने का एहसास होता है, ऋषभ का बचपन याद आ जाता है। याद है उत्तरा जब वो बोर्डिंग स्कूल में था, अक्सर फोन किया करता था अपनी टीचर्स की शिकायत लगाने, खासकर उसकी जो वो मैथ्स की टीचर थी ना, मिसेस कुरियन कृपलानी। कृपलानी, आई एम सॉरी, उससे बहुत चिढ़ता था। तो मुझसे कहता था पापा यू मस्ट पनिश हर। तो मैं समझाता था उसे, बेटा एक ही ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कहता था कि पापा फॉर यू नथिंग इज इम्पॉसिबल। के नाम की रट लगाए रहता था दिन भर। हाँ। और आज अपने पापा को कितना बेबस, कितना अपाहिज कर दिया है उसने। हमें तो शुरू से ही नाना की आंख में सुअर का बाल नजर आता था। वो आपके ससुर जी का पालतू है सुजीत बाबू, ये सब आपको फंसाने की चाल है। अरे जगमोहन बाबू, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमें फंसाने के लिए नाना किसी का खून कर देंगे? जी हाँ। और जो वो खुद धरे गए हैं उसका क्या? कोई सौकिया फांसी पे चढ़ता है क्या जगमोहन बाबू? कोई सौकिया जेल जाता है और उनमें कोई सुसाइडल टेंडेंसी तो है नहीं क्या? हमें फंसाने के लिए वो खुद का बलि दे देंगे, कुछ भी कर देते हैं क्या आप? यही तो खराबी है आप जैसे अच्छे लोगों में। सुजीत बाबू, आप जैसे लोग दिल से काम लेते हैं। एक बार जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि क्यों बहू साहब ने उसे तो माफ कर दिया, लेकिन आप पर अभी तक खंजर से वार किए चले जा रहे। सुजीत बाबू ये सब नाटक है, शुरू से ही रहा होगा। सुजीत बाबू, सम्मान के एक्सीडेंट के समय से ही आपको रास्ते से हटाने की चाल चली होगी, लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई, इसलिए उस बेचारे गवाह को भी उखाड़ के फेंक दिया। अरे फिर शुरू हो गए आप जगमोहन बाबू, आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नाना ड्राइवर को मार दे और खुद ही फंस जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उनका बेटा भी अकेला है, हमारा जरूरत है उसको जगमोहन जी। बरसों से जानते हैं उस फैमिली को, हमारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। ऐसा तो आप बहू साहब के बारे में भी नहीं सोच सकते थे। इन सब बेबुनियाद बातों में मत उलझो और अपने आप को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। बाबू जी कोई कैसे किसी की इज्जत को इस तरह उछाल सकता है? पर कौन है ये लोग जो बार बार हमारी घर की इज्जत उछालने की कोशिश किए जा रहा है? और जगमोहन काका, वो इस हद तक गिर सकते हैं? जगमोहन का तो पता नहीं, लेकिन सुजीत बाबू और नाना ने सम्मान के एक्सीडेंट के बारे में अपनी सफाई में जितनी दलीलें पेश की थी ना, वो सब झूठ है, धूल झोंका है उन दोनों ने इस बाप की आंखों में। बाबूजी, बाबूजी जरूरी तो नहीं ना कि इस बात पे भी सच्चाई हो,
हम जानते हैं कि आपके बारे में छपी खबर बेबुनियाद है। ठीक उसी तरह नाना के बारे में भी जो कुछ लिखा गया है, हो सकता है कि वो गलत हो। जरा सोचिए बाबूजी, 27 साल पहले आपको कैसे फंसाया गया था। हो सकता है कि आज भी वही कहानी दोहराई जा रही हो नाना के साथ। और हर बार वो आदमी फोन पर बाबू साहब से बात करता हुआ नजर आता था। बाबा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब बताता था। जब बाबा पुलिस स्टेशन गए थे उस ड्राइवर की पूछताछ के लिए, तब तो वो उनकी फोटोज तक खींच रहा था। और उस दिन भी मैंने उसे फोन पर बाबू साहब से बात करते हुए सुना था, बाबा का नाम लेकर। हो या ना हो, ये सब कुछ बाबू साहब का किया था। बाबू साहब ने बाबा को फंसाया। और इस सब के बीच जो चेहरा उनका सामने आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि उन्हें हम ठीक तरह से जानते ही नहीं। और वैसे भी जो आदमी सुजीत जीजा जी के माँ बाप को मरवा सकता है, उसके लिए ये सब कौन सा मुश्किल काम है। चोरी छुपे कहां जा रही हो, और वो भी अकेले। जी पापा, वो मैं ना। दिस इज नॉट डन अंकल, दिस इज नॉट डन एट ऑल। नेहा बेटा, मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा कि मैं एक लाश के पास खड़ा हूं। लाश पड़ी हुई है और मेरे हाथ में खून से सना हुआ बच्चा।